उत्तर बिहार में भयंकर बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नेपाल से छोड़ा गया पानी और लगातार हो रही बारिश से उत्तर बिहार के पूर्णिया, अररिया, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में चारों तरफ पानी ही पानी है। इन इलाकों की नदियों की उफान से भी निचले इलाकों में रह रहे लोगों के घरों में पानी घुस गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि उत्तर बिहार के जिलों में अभी 2-3 दिनों तक भारी बारिश होगी और बाढ़ का पानी और बढ़ सकता है। बाढ़ की वजह से कई रोड टूट जाने से आवागमन भी ठप हो गया है। लोगों को जरूरी सामान लाने में भी बहुत कठिनाइयां हो रही हैं। इस बाढ़ की वजह से पिछले 2-3 दिनों से ग्रामीण इलाकों में बिजली नहीं है। लोगों को रात अंधेरे में बिताना पड़ रहा है। ग्रामीणों को जहां खाने पीने की दिक्कत है, वहीं विषैला जानवर का भी खतरा बना हुआ है। इस तरह की प्रलयंकारी बाढ़ की वजह से पालतू पशुओं की मुश्किलें भी काफ़ी बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि उत्तर बिहार में जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक कई बार प्रलयंकारी बाढ़ आता है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किसानों का सारा फसल बाढ़ की भेंट चढ़ जाता है, लेकिन शासन प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ रहने वाले ग्रामीण इलाके के लोगों की जिंदगी 4 महीने तक नारकीय हो जाती है। सरकार हर बार मूक दर्शक बनी रहती है। पता नहीं कब सरकार जागेगी और उत्तर बिहार के जिलों को बाढ़ से राहत दिलाएगी। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।